भक्तों प्रणाम। हमेशा की तरह आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि रहस्यात्मक भी है। एक ऐसा मंदिर जो कभी तंत्र मंत्र, साधना एवं आयुर्वेद के विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, जहां भगवान शिव के आदेश पर नर्मदा नदी को अपना प्रवाह मार्ग बदलना पड़ा, जहां के दैवीय चमत्कार को देख भयभीत होकर औरंगजेब को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक ऐसा मंदिर जहां सूरज ढलने के एक निश्चित अंतराल के बाद रुकना सख्त मना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर की यात्रा पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित अपनी दूधिया संगमरमर चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के समीप करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर देश के कुछ सुरक्षित बचे 64 योगिनी मंदिरों में से एक है, जो कि देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों अर्थात योगिनियों एवं भगवान गौरी शंकर को समर्पित मंदिर है। इसे गोलकी मंदिर या गोलकी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है शिव और पार्वती की दूसरी सदी की जो है बहुत सुंदर ही मूर्ति रखी गई है, और जिसको देखने के लिए विश्व भर से लोग जो पर्यटक हैं यहाँ आते हैं। और जो पहली जो मूर्ति ऐसी है विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है जिसमें कि शिव पार्वती के विवाह का चित्रण किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अतुलनीय है। ये पूरा इंडिया में वन ऑफ द रेयर मंदिर है जिसमें सारे योगिनी को हम वर्षित करते हैं। तमाम रहस्यों की कथाओं को अपने में समेटे ये मंदिर यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को एक ओर आध्यात्मिक तो दूसरी ओर यहाँ की विशेषताओं के कारण एक भय का अनुभव भी देता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक सुरंग भी है जो इस मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। एक विशाल परिसर में फैले इस मंदिर के हर एक कोने से भव्यता झलकती है। कहते हैं ये मंदिर किसी समय तंत्र साधना का एक विशेष स्थान हुआ करता था। आज भी जब तंत्र साधना की बात होती है तो गोलकी मठ को विशेष तौर पर याद किया जाता है, जहां काल गणना और पंचांग निर्माण, ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश विदेश से छात्र आया करते थे, तथा 10वीं शताब्दी में ये मंदिर आयुर्वेद शिक्षा का एक विशेष स्थान हुआ करता था। कालांतर मुगल आक्रांताओं के आक्रमण के कारण ये केंद्र बंद कर दिया गया। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। उन्होंने मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के साथ 64 योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहते हैं युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। इस तरह से कालांतर मां दुर्गा की प्रतिमा के स्थान पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। मान्यता ये भी है कि ये स्थल महर्षि भृगु की जन्मस्थली है, जहां उनके प्रताप से प्रभावित होकर तत्कालीन कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। भक्तों, ये मंदिर पहाड़ी के शिखर पर स्थित होने के कारण यहां से काफी बड़े भूभाग व कलकल करती नर्मदा नदी को निहारा जा सकता है। कई सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करने के लिए केवल एक छोटा सा द्वार बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर करीब 10 फुट ऊंची गोलाई में पत्थरों की चार दीवारी बनाई गई है। इन दीवारों के अंदर के भाग पर 64 योगिनियों की विभिन्न मुद्राओं में पत्थर को तराश कर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई थी। योगिनियों की हर प्रतिमा एक विशिष्ट भाव भंगिमा को दर्शाती है एवं इस मंदिर की प्राचीनता को भी दर्शाती है। यद्यपि मंदिर में योगिनियों की इन प्रतिमाओं को मुगल आक्रांता औरंगजेब द्वारा खंडित कर दिया गया है, यहाँ योगिनियों के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं,
इस प्रकार से यहाँ कुल 85 प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में स्थित प्रतिमाएं मिलाकर इस पूरे मंदिर में कुल 95 प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं का दर्शन करते हुए आपको यहाँ एक विशाल खुला प्रांगण दिखता है। इस मंदिर परिसर में आपको एक विशिष्ट शांति का अनुभव होता है। भक्तों, 64 योगिनियों से संबंधित कथा के अनुसार बताते हैं कि ये सभी 64 योगिनी आदिशक्ति माँ काली का अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ये भी कहते हैं कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। दूसरी एक मान्यता के अनुसार ये 64 योगिनियां बहनें थीं, जिन्हें राक्षसों ने मौत के घाट उतारा था। फिर स्वयं माँ दुर्गा ने प्रकट होकर उन दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। मान्यता ये भी है कि आदि काल से ही राजा युद्ध, सुख समृद्धि सहित अन्य कामनाओं के लिए 64 योगिनियों की स्थापना कराते थे। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और किंवदंतियां भी हैं। उनके अनुसार एक बार भ्रमण के लिए निकले भगवान शिव और माता पार्वती ने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया। उस समय इस स्थान पर तपस्यारत सुवर्ण नामक ऋषि भगवान शिव को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस ना लौटें, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। फिर नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान शिव हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो जाएगा, और इसी कारणवश ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा नदी में समाधि ले ली। कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। मान्यता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था, ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कहते हैं औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण करते समय जब गौरी शंकर की प्रतिमा पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, तो उस समय महादेव की मूर्ति के पास से दूध की धारा एवं मधुमक्खियों सहित सांप, बिच्छू, छिपकली, बहुत से जीव जंतुओं ने निकलकर औरंगजेब की सेना पर आक्रमण किया। इस दैवीय चमत्कार को देखकर उसे भयभीत होकर यहाँ से भागना पड़ा था, जिस कारण वो गर्भगृह में स्थापित प्रतिमाओं को खंडित नहीं कर पाया। भक्तों, 64 योगिनी मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहते हैं। अतः आप जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाएं, तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं, तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, कचनार सिटी शिव मंदिर, पाट बाबा मंदिर, शारदा देवी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, पिसनहरी जैन मंदिर, हनुमान ताल जैन मंदिर, श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर, शारदा मंदिर बरेला, गुरुद्वारा साहब ग्वारी घाट, मदन महल किला, तिलवारा घाट, धुआंधार जलप्रपात, ग्वारी घाट, रानी दुर्गावती म्यूजियम आदि स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप 64 योगिनी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा इस मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम जबलपुर हवाई अड्डा है। देश के किसी भी मुख्य शहर से हवाई यात्रा कर आप यहां पहुंचकर 64 योगिनी मंदिर के लिए बस या कैब ले सकते हैं, और अगर आप रेल द्वारा 64 योगिनी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो निकटतम रेलवे स्टेशन भेड़ाघाट एवं मुख्य जबलपुर रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी, कैब या सरकारी बस द्वारा भी मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जबलपुर देश के मुख्य शहरों से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देश के किसी भी कोने से प्राइवेट या सरकारी वाहन सुविधा की मदद से सड़क मार्ग द्वारा भी 64 योगिनी मंदिर जबलपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, आप जबलपुर स्थित इस ऐतिहासिक एवं रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर के दर्शन की कामना रखते हैं, तो अपने बजट व सुविधा अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए।
आज के इस एपिसोड को जय मां आदिशक्ति जय भोलेनाथ के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।